वेलकम टू गैरी व्लॉग्स गाइस, एंड मैं हूं आपका होस्ट गैरी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है गाइस हम वेस्ट टू वंडर्स में, जो कि है सेंट्रल दिल्ली में, लेट इन द इवनिंग एट 7:30। 50 रुपीज़ यहाँ आप देख पा रहे हैं प्राइस लिस्टिंग फॉर नॉर्मल डेज, एंड फॉर संडेज इट्स 100 रुपीज़। तो चिल्ड्रन के लिए 25 नॉर्मल डेज के लिए, एंड 50 रुपीज़ फॉर संडे। तो गाइज ये कुछ इसकी एंट्री डिस्प्ले की गई है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही रिप्रेजेंट कर दिया गया है 7 Wonders of World। तो जैसा कि नाम है गाइज, आप समझ ही गए होंगे, शायद अपने स्कूलिंग टाइम में आप लोगों ने ये पढ़ा ही होगा। तो द बेस्ट थिंग इज गाइज, जो भी क्रश मटेरियल है, जो भी हमारा वेस्ट है, पाइप्स हैं, क्रश्ड स्क्रैप कार्स हैं, ट्रक्स हैं, उन सभी का मटेरियल यहाँ पे यूज़ करके, टन्स ऑफ वेस्ट यूज़ करके, ये सारे पिरामिड्स, ये सारे वंडर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने इन्वेंट करी है, जो कि बहुत ही मेस्पराइजिंग है। वन टाइम विजिट तो गाइज बनता ही है, और मैं रिकमेंड करूँगा लेट इन द इवनिंग आए गाइज, बिकॉज यहाँ पे जो लाइटनिंग होती है ये सब इवनिंग में ही होती है, और तभी ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो पहला जो आप देख रहे हैं, आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा होगा गाइज कि ये किस तरह बनाया गया, कैसे कैसे इसमें कितने टन वेस्ट यूज हुआ, पिरामिड ऑफ गीज़ा। जी हाँ गाइज, जो आप देख रहे हैं ये है पिरामिड ऑफ गीज़ा। जैसा कि आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ पा रहे हैं गाइज, ये फेमस 7 Wonders में से एक है, जो कि है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के नाम से, जो कि है इजिप्ट में। यहाँ पे थोड़ी बहुत साइट सीन है गाइज, और आप थोड़ा सा आप वॉक करेंगे, ज़्यादा डिस्टेंस पे कुछ भी नहीं है गाइज, थोड़ा सा आप वॉक करेंगे तो ये आपका आ गया है 2nd Wonder। सो एनी गैसेस, ये है टावर ऑफ पीसा। जी हाँ गाइज, टावर ऑफ पीसा। सो ये भी बहुत ब्यूटीफुल है गाइज, जब आप इसको रूबरू सामने देखें तो आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा। हो सकता है कि विजुअल इतने आपको समझ ना आ रहे हों अभी, बट सामने से ये बहुत ही मेस्पराइजिंग है गाइज। अब इसमें भी बता रखा है, डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं गाइस, कितना वेस्ट यूज़ हुआ, पाइप्स, क्लचेस, जो भी ट्रक के वेस्ट मेटल है, एल्यूमिनियम है, उस सबको रिसाइकलिंग करके एक स्ट्रक्चर दिया गया गाइस, और उनको एक ब्रिक की शेप दी गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीज़ें बताई है गाइस। ये किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं। जी हाँ गाइस, वन एंड ओनली एफिल टावर। तो आप सब जानते हैं गाइस, ये है एफिल टावर। इसको देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था, बिकॉज हमने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं करा गाइज, बट फर्स्ट टाइम यू नो वेस्ट टू वंडर्स में देख के इसको बिल्कुल रियल जैसा एहसास गाइज। तो ये सब बता रखा है कि कितनी इसकी हाइट है, ये प्लेस क्या है, पेरिस फ्रांस, हाइट कितनी है, कितना कंप्लीशन में इसको टाइम लगा, 1889 में कंप्लीट हो गया था। ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग है अनटिल 1930। सो एक टाइम पे ये सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग टावर इसको कहा जाता था गाइस, और तभी से और सभी कपल्स का एक सपना रहता था एफिल टावर पे जाएंगे और एक कपल फोटो क्लिक ज़रूर कराएंगे। तो जब भी कभी हनीमून या फिर कपल्स की बात चलती थी तो पेरिस का यू नो ख्याल आता ही था। एनीवेज, तो नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो वंडर है, वो है कोलोसियम। जी कहाँ गाइस, कोलोसियम। इसके बारे में भी बताया गया है, फर्स्ट यू नो इंटरनल फ्रेमवर्क वॉज क्रिएटेड, एंड इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है गाइस यूज़ करी हैं, आप देख सकते हैं 10 टन जो है इसके अंदर वेस्ट जो है मटेरियल यूज़ करके इसको शेप दी गई है। इसमें स्टोन्स रखे गए हैं, आप वाइट स्टोन्स देख पा रहे हैं, लाइटनिंग बहुत अच्छी की गई है, और बिल्कुल रियल जैसी फील जो है आपको इसको देखने को मिलेगी। तो ये एक राउंड शेप में था गाइस, आप इसका एक राउंड सर्कल लेंगे तो आपको बहुत ही प्यारा एहसास होगा, और बिल्कुल आसपास ही हैं तो ज़्यादा इसमें वॉक करना नहीं पड़ता, और ज़्यादा यूजीए है भी नहीं। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ भी आ रहे हैं तो आप इसको ईजिली यू नो 15 मिनट्स दे के 20 मिनट्स दे के एक्सप्लोर करके और यहाँ से रवाना हो सकते हैं गाइस। नाउ आप देख सकते हैं जिसका था हमें इंतज़ार गाइस,
और जिसके लिए हम आगरा जाते हैं। कुछ कपल्स तो मैरिज के बाद भी जाते हैं और वैसे भी लोग जाना पसंद करते हैं। जिसके लिए हम आगरा जाते हैं वो है गाइस वन एंड ओनली अगेन ताजमहल। जी हाँ गाइस, ताजमहल बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है गाइस। देखिए इन्होंने किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, कितनी अच्छी लाइटनिंग करी है। गोल्डन इसका पीक लग रहा है पूरा। टावर इसके इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं चारों के चारों। और बीच में जो है थोड़ी सी वाटर की लेयर दी है जिसमें लाइटनिंग करी है। सो वन एंड ओनली गाइस अगेन ताजमहल। अब गाइस हम थोड़ा आगे मूव कर गए हैं। यहाँ पे हमने देखा कुछ फोटो सेशन चल रहा था तो हमने सोचा हम भी ट्राई करें। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं गाइस, तो वहाँ पे कुछ एनिमल्स की जो है लाइटनिंग की गई थी। बट उससे पहले एक और स्ट्रक्चर आ गया जो कि था गाइस रियो रिडीमर। तो आप देख पा रहे हैं गाइस रियो रिडीमर। अब इसका देगा ये ब्राज़ील में है गाइस, ये बताया गया है रियो डी जेनेरियो। ये जगह का नाम है गाइस जहाँ पे ये स्टैचू जो है स्थित है। बहुत ही पॉपुलर है, हाइट इसकी 25 फीट है। और यू नो आप देख सकते हैं कि इसमें भी बहुत सारा जो है स्क्रैप यूज़ हुआ है, कितने टन स्क्रैप यूज़ हुआ है, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस मेंशन है यहाँ पे। तो कुछ ऐसा इसका जो लुक है बहुत ही प्यारा है ये भी देखने में। नेक्स्ट है गाइस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। जी हाँ गाइस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो ये बता रखा है कि जॉइंट एफर्ट बिटवीन अमेरिका एंड फ्रांस, दोनों ने मिलकर जॉइंट एफर्ट करे और इसको पूरा बनाया। एंड आप देख सकते हैं पाइप्स इसमें कन्वर्ट हुई हैं ब्रिक्स में, मेटल रेलिंग्स, एंगल्स, स्प्रिंग, क्लच, जितनी भी चीज़ें हैं ट्रक वगैरह की, इंजन के स्पेयर पार्ट्स, इन सब चीज़ों से जो इसका बेस है गाइस वो डेवलप किया गया। तो आप समझ पा रहे हैं किस तरह इसको जो है पूरा रेडी किया गया। अब यह स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसको तो सभी जानते होंगे गाइस, हमने हिस्ट्री में या वैसे भी इसको बहुत पढ़ा है अपने स्कूल टाइम में, स्टैचू ऑफ लिबर्टी गाइस। कुछ ऐसा व्यू रहता है रात में। और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इतना क्राउडेड नहीं रहता गाइस, वैसे ही अभी कोविड का टाइम चल रहा है, सो एवरीबॉडी इज़ मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग। आई वुड रिकमेंड यू टू डू सो एज वेल। और यहाँ पे और कुछ हमें अच्छी चीज़ें देखने को मिली। अगेन मैंने जैसे बताया था इवनिंग में आओगे तो लाइटनिंग, इट्स मोर ऑफ अ लाइटनिंग। और थोड़े एनिमल्स रिप्रेजेंट करें, आप देख सकते हैं मंकीज हैंगिंग। और थोड़ा सा आप आगे जाएंगे यहाँ से तो एक फूड कोर्ट भी है जहाँ पे गाइस आपको कुछ फूड ऑप्शंस मिलेंगे। इफ़ यू वांट टू स्पेंड सम टाइम विद फैमिली, वांट टू ईट, ग्रैब समथिंग एंड देन गो होम, यस कि यू कैन। बट ज़्यादा ऑप्शन नहीं है वेंडर्स के लिए, एवरेज खाना है गाइस, ज़्यादा कुछ कॉस्टली भी नहीं है। सो एवरेज टाइम गाइस जो यहाँ पे आप स्पेंड कर सकते हैं 15 to 20 minutes गाइस। कुछ ऐसी ही वीडियो जो है आगे भी आती रहेंगी रिलेटेड टू ट्रैवल, फूड, एंड वी आर गोना एक्सप्लोर सम न्यू बीज और न्यू थिंग्स। वो कुछ भी हो सकता है गाइस, किसी से भी रिलेटेड व्लॉग्स हो सकता है, समथिंग अनप्लान्ड। सो आप बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं, चैनल को गाइस आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन आते रहें और आप हमारे साथ अपडेटेड रहें हमेशा, चाहे आप जिस भी सिटी में हों। तो गाइस ये फूड वेंडर्स जिनकी मैं बात कर रहा था, ये कुछ फूड वेंडर्स हैं। आप देख पा रहे हैं ज़्यादा यहाँ पे क्राउडेड नहीं है, फूड वेंडर्स ओके हैं, एवरेज है। तो चलिए गाइस इसी के साथ ये वीडियो हम खत्म करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।